गाइस, वेलकम टू SNP डेवलपर्स। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पिक्सआर्ट में एक आर्टिस्टिक मूवी पोस्टर एडिट कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। गाइस, आप पिक्सआर्ट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर मैंने कर रखा है और इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे एक फ़ोटो चाहिए अपने बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड इमेज की पिक्सल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। गाइस, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप डाउनलोड करेंगे बैकग्राउंड इमेज, उसकी पिक्सल अच्छी हो। यहाँ पर मैंने ये डाउनलोड की है। इसी पे मैं अपना फ़ोटो एडिट करूँगा। सबसे पहले ऐड फ़ोटो पे जाएंगे और एक फ़ोटो ऐड करेंगे इस पर। रीसेंट गैलरी, यहाँ से मैं फ़ोटो चूज़ करूँगा और फिर ऐड। यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ चुका है। इस फ़ोटो को मैं एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले इसे ब्रश करना होगा। हार्डनेस को कम रखना ज़रूरी है। पोस्टर एडिटिंग के लिए हार्डनेस जो है वो कम होना चाहिए, ताकि उससे जो हम बैकग्राउंड जो इसका रब कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड को रब करेंगे स्मूथली, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक स्मोक इफ़ेक्ट आना चाहिए। गाइस, लास्ट में फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इसे एडजस्ट करना है अपने तरीके से। आप जो पोस्टर एडिट कर रहे हो आपकी पोस्टर के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना है आपको। मैंने इस तरीके से किया है यहाँ पर। गाइस, अब इसे इफ़ेक्ट डालना है। लाइट क्रॉस पोस्टर एडिट के लिए अच्छा इफ़ेक्ट है। मैंने लाइट क्रॉस कर दिया है। ये जो है अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब मैं एक और फ़ोटो यहाँ पर ऐड करूँगा। वापस से ऐड फ़ोटो, सेम रिपीट होगा जो मैंने पहले किया था। गैलरी से मैं फ़ोटो ले लूँगा अपना, ऐड। गाइस, इस फ़ोटो को भी मैं पिछली फ़ोटो की तरह एडजस्ट करूँगा और ब्रश करूँगा पहले। और इसमें भी गाइस हार्डनेस को कम रखना ज़रूरी है। साइज़ को आप अपने हिसाब से जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर साइज़ थोड़ा छोटा हो गया तो मैंने फिर से बड़ा कर दिया इसे। गाइस, मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। ये एंड में कुछ ऐसा दिखेगा फ़ोटो। आप जब पूरी तरीके से रब कर दोगे ये फ़ोटो कुछ ऐसा दिखेगा। गाइस, आप फिल्टर्स जो है अपने पोस्टर के हिसाब से आप खुद चूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पोस्टर पे यहाँ पर लाइट क्रॉस इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर लाइट क्रॉस यूज़ किया है। मैं अपने अगले फ़ोटो पे भी लाइट क्रॉस इफ़ेक्ट ही यूज़ करूँगा। गाइस, यहाँ पर हम फिर से लाइट क्रॉस इफ़ेक्ट देंगे फ़ोटो को। राइट क्लिक, देन इस फ़ोटो को भी मैंने लाइट क्रॉस इफ़ेक्ट दे दिया है सेम पहले वाली फ़ोटो की तरह। अब गाइस, एक और फ़ोटो जो मैं ऐड करूँगा, उसके लिए वापस से मुझे जाना है ऐड फ़ोटो। यहाँ से मैं लूँगा फ़ोटो, चूज़ करूँगा ये वाली ऐड। इस फ़ोटो को मैं पहले क्रॉप कर लूँगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं इसे क्रॉप करूँगा। आपको अपने पोस्टर के हिसाब से जो आपकी इमेजिनेशन है उस हिसाब से आपको वर्क करना है। मेरी इमेजिनेशन इस पोस्टर पे कुछ इस तरीके की है। इन आइज़ को मैं यहाँ पर पोस्टर में एडजस्ट करूँगा। इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा ताकि मुझे क्लियर नज़र आए। इसको एडजस्ट करने में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपका फ़ोटो पे किस तरीके से ये नज़र आएगा और आपको जो अच्छा लगता है आपको खुद सोचना होगा। आपकी अपनी इमेजिनेशन है
आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। सो गाइस, आपको खुद सोचना होगा कि आपकी फ़ोटो पे किस तरीके की जो इफ़ेक्ट है वो अच्छी लगेगी। सो एडजस्टमेंट जो है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिव माइंड पे। सो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट जो है इसकी आइज़ की, ये थोड़ी सी मुश्किल है। सो इस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसे। ये मेरे विलन की आइज़ है, पोस्टर में जो मेरा विलन है उसकी आइज़ जो है वो नज़र रख रही हैं दोनों हीरो और हीरोइन पे। ये खतरनाक आँखें, इसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट करना है। सो मैंने इसे परफेक्ट एडजस्ट कर लिया है, मुझे जो चाहिए था। अब इसकी भी हार्डनेस को कम करके इसको ब्रश करना है। साइज़ को थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगा। सो इसको भी मैं ब्रश करूँगा अपने हिसाब से, जैसे मुझे रखना है। सो गाइस, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, एंड में ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसको पूरी तरीके से कर लिया और इसको भी मैं लाइट क्रॉस करूँगा। अब गाइस, लाइट क्रॉस कर दी है मैंने, तो इसकी ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। ये परफेक्ट इफ़ेक्ट मुझे आ गया है। ओपेसिटी इसकी 100 डाल के भी मैं लाइट क्रॉस में परफेक्ट इफ़ेक्ट आ चुका है यहाँ पर, जैसा मुझे चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह गई है, वो मैं कर रहा हूँ। जो आइस की इफ़ेक्ट जो आ गई है यहाँ पर, उसको मैं रब कर रहा हूँ। ये फिनिशिंग है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह गई थी यहाँ पर फेस पर। कुछ इस तरीके से। सो गाइस, ये हो चुका है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है। परफेक्ट। अब हम वापस जाएंगे इफ़ेक्ट्स पे, देन HDR इफ़ेक्ट। इसको ओपन कर लेंगे HDR को, और यहाँ पर हम ब्लर को फुल, अनशार्प को फुल, सैचुरेशन को फुल कर देंगे। गाइस, ये जो सेटिंग्स है वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है कि आपका पोस्टर पे जो फ़ोटो आपने डाली है वो कैसा है और किस तरीके से वो अच्छा लगेगा, किस इफ़ेक्ट पे। सो गाइस, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अपने हिसाब से सोचना होगा। यहाँ पर मैंने मेरे पोस्टर में जो सेटिंग्स अच्छी लग रही है वो मैंने की है, और फेड को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेटिंग्स फेड की। बाकी तीनों मैंने 100 कर दिया क्योंकि वो मेरे पोस्टर पे अच्छी लग रही है। सो यहाँ पर मैंने ये सेटिंग की है। फेड को मैं सेट कर रहा हूँ परफेक्ट। अब ये देख रहे हैं आप, HDR इफ़ेक्ट आ चुका है। अब हम देख चुके हैं कि फ़ोटो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जाएंगे आर्टिस्टिक में और ऑयल पेंटिंग। इतना ज़्यादा ऑयल पेंट नहीं चाहिए हमें, सो इसको इरेज़ करेंगे हम। इसका हार्डनेस कम करेंगे, साइज़ को भी कम, और ओपेसिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ओपेसिटी को एकदम कम करना है। 22। अब हम इस पे पूरी ऑयल पेंट मार देंगे।
ऑयल पेंट को पूरी तरीके से मैं इस पर कर रहा हूँ। ऑयल पेंट से जो है पोस्टर का जो लुक है वो रियलिस्टिक वे में आ जाएगा। आपको ऑयल पेंट पे गाइस बहुत फोकस करना होगा उसके सेटिंग्स पे, क्योंकि ऑयल पेंट आपके फ़ोटो को पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकता है और आपको एक बहुत ही परफेक्ट लुक भी दे सकता है। सो गाइस इसकी सेटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इस तरीके से यहाँ पर ऑयल पेंट कर रहा हूँ। सो गाइस ऑयल पेंट हो चुकी है, मर्ज देन सेव। ये मुझे ऑयल पेंट के बाद वाला फ़ोटो है। देन अब हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट पे जाना है, जो मूवी का नाम है वो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर टेक्स्ट पे, मूवी का टाइटल मैंने जुनून रखा है। आपको अपने पोस्टर पे ये बात ध्यान रखनी है कि मूवी पोस्टर जो आप एडिट कर रहे हैं वो में उसमें स्टोरी की एक झलक मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने पोस्टर जो एडिट किया है, यहाँ पर एक लड़की है जो गिटार बजा रही है, एक लड़का है, सो जाहिर सी बात है लड़की सिंगर है और लड़का भी है जो हीरो है उसका। और यहाँ पर मैंने प्लेन दी है, सो जाहिर सी बात है अब्रॉड कुछ होगा दूसरी कंट्री में, और विलन की जो आईज़ हैं वो दिख रही हैं। सो विलन की नज़र है दोनों पर, ये स्टोरी की हल्की झलक जो है वो मिल रही है। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रोक जो है उसका आउटर जो लाइन होता है वो मैं यहाँ पर कलर मुझे चूज़ करना है। यहाँ पर आप अपने पोस्टर में जो आप टाइटल दे रहे हो, जो कलर दे रहे हो, वो आप यहाँ पर बहुत सारे हैं वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। थिकनेस को मैं कम करूँगा, थिकनेस को मैंने इतना रख लिया है 6 पे, मेरे पोस्टर में यही अच्छा लग रहा है। सो सेव, देन ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब गाइस थोड़ी बहुत फिनिशिंग आपको करनी है आपके माइंड में जो है क्रिएटिविटी उस हिसाब से। यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट जो है वो मैं लूँगा, यहाँ पर पहले उसे क्रॉप कर लूँ, जो मुझे ज़रूरत है बस उतना ही उसको मैंने क्रॉप कर लिया इस तरीके से। अब इसको फ़ोटो पे एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर ली है। यहाँ पर थोड़ी बहुत थोड़ी सी इसकी साइज़ को मेंटेन कर रहा हूँ। गाइस आप अपने पोस्टर के हिसाब से साइज़ को मेंटेन करें इस टेक्स्ट की। यहाँ पर मैंने ये कर ली है परफेक्ट। अब ये जो है देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। अब गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका जो पोस्टर है। गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लाइट इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ, तो वापस से मैं ऐड फ़ोटो पे जाऊँगा। वहाँ पर मैंने लाइट जो है वो सेव करके रखी है, कुछ प्री डिफाइंड लाइट्स जो होती हैं पिक्सआर्ट एडिटिंग के लिए वो मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर ये येलो वाला मैं लूँगा, इसको मैं ब्लेंड पे स्क्रीन इसको मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पर अपने पोस्टर के हिसाब से। आपको भी अगर पसंद आता है ये लाइट, अगर आपको डालना है अपने पोस्टर पे, तो आप इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, इसे रोटेट भी कर सकते हो आप इस तरीके से, और इसके साइज़ को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। इस तरीके से मैं
मेरे पोस्टर में जो कलर अच्छा लग रहा है जिस जगह पर, उस जगह पर मैं डाल रहा हूँ। सो ये रेड वाला मुझे यहाँ पर सही लगा। अब मैं एक और कलर लूँगा, ग्रीन, ऐड। सेम उसी तरह ब्लेंड पे जाके स्क्रीन, और इसको भी मैं एडजस्ट करूँगा जैसे पहले वाला किया था, उसको थोड़ा सा रोटेट। इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। विलन की आइस पे जो है इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, ये और अट्रैक्टिव जो है उसकी आइस को मैं बना रहा हूँ ताकि और ख़तरनाक लगे वो देखने में, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेटिंग्स आप अपने भी पोस्टर पे कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, ये साइज़ आप बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया यहाँ पर। सो गाइस, ये हमारा पोस्टर जो है अब पूरी तरीके से बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।